खरगोन जिले के आनकवाड़ी गोपालपुरा स्थित चैतन्य मंदिर और ईदगाह तिराहे से लालपुरा फाटा तक मार्ग बदहाल हो चुका है। 3 ग्रामों के सैकड़ों ग्रामीण किसान इस मार्ग से अपनी कृषि उपज का सामान लाने व ले जाने का काम करते हैं। मार्ग की बदहाली से परेशान ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक केदार डाबर से लेकर संबंधित जनपद और जिले के अधिकारियों से भी मार्ग निर्माण करवाने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। जब ग्रामीणों को इस बात से अंदाजा लग गया कि नेता और अधिकारी इस मार्ग की मरम्मत करवाने में जरा भी सुनवाई और ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मजबूर किसानों ने अपने जन सहयोग और स्वयं के रुपयों से चंदा एकत्रित कर मार्ग की मरम्मत का कार्य शुरू करवाकर आवागमन योग्य बनाने का बीड़ा उठाया। ग्रामीणों ने बताया कि मार्ग पर 2-2 फीट के गहरे जानलेवा गड्ढे हो गए थे। मार्ग पर काली मिट्टी होने से कीचड़ और गड्ढे हो चुके थे। यह वजह है कि बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, बाइक तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हमारे वाहन फंसते हैं, मजदूरों को लाना ले जाने में तकलीफ होती है, फसल को ले जाने में भी तकलीफ होती है। इसके लिए हम विधायक से भी मिले थे, पंचायत में भी आवेदन दिया था, जनपद में भी जाके मिले थे, आवेदन दिया हुआ है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और वो जनपद अध्यक्ष या जनपद सीओ द्वारा बोला गया कि कलेक्टर से पैसा मंजूर होकर आ गया और फाइल कलेक्टर में पड़ी है। कितने दिनों से प्रयास कर रहे हो ये सड़क बनवाने के लिए? हम 4 साल से लगे हुए हैं सड़क बनवाने के लिए। भूतपूर्व विधायक को बताया था, तब भी कुछ काम नहीं हुआ। वर्तमान विधायक को भी 2 साल पिछले साल से आवेदन दिया हुआ है, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि 2 महीने में बन जाएगी, जो अभी तक नहीं हुआ है। और इसके अलावा हम जनपद में सरपंच के द्वारा सभी विभागों से मिल चुके हैं, बाकी अभी तक कुछ नहीं हो पाया। वर्तमान में ये इस क्षेत्र में 250 हेक्टेयर ज़मीन के जो 4 गांव के किसान जुड़े हुए हैं, बिस्टान, बनहेर, अनकवाड़ी और लालपुरा के, उनका जाना जाना रहता है। फसल लाने ले जाने में, मजदूर ले जाने में और सब खाद वगैरह ले जाने में तकलीफ हो रही है। इसलिए हमने 40 किसानों ने 300-300 रुपये इकट्ठे करके इस सड़क को उनके गड्ढे भरने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जाने में तकलीफ कम हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।